So now we are going to discuss the question number second. What is the question number second? Write the first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. तो इसके अंदर कई आपके क्वेश्चन के पार्ट हैं. मैंने दो पार्ट सेलेक्ट किए हैं, पार्ट नंबर थ्री एंड पार्ट नंबर फोर, जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमको एपी की शुरू की चार टर्म्स बतानी है, जिसमें से हमें आपके फर्स्ट टर्म बता रखी है और कॉमन डिफरेंस. तो बेसिकली तीन टर्म और बतानी है, फर्स्ट टर्म तो हमको पहले से दे ही रखी है. नाउ पहले मैं थर्ड पार्ट करता हूं. इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए. फॉर्मूला का मतलब क्या है? nth टर्म विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इस फॉर्मूले को हम रीडिवाइज भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए. बात समझ में आ रही है? चाहे तो आप वैसे करके करिए, चाहे आप डायरेक्ट यहां पर पुट करके निकाल लीजिए. तो पहली टर्म अगर हमें निकालनी हो, हालांकि पहली टर्म दे रखी है, फिर भी मैं पहली टर्म निकालता हूं कि ए वन किसके बराबर हो जाएगा. ए वन, सॉरी इसको मैं वन नहीं कहता, ये तो ए ही है. ए वन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन मीन्स वन माइनस वन. वट इज डी? डी कुछ भी मल्टीप्लाई हो, ये यहां पर जीरो हो जाएगा. तो ए वन किसके बराबर हो जाएगा? ए वन विल बी इक्वल टू ए एंड ए इज गिवन टू अस एज फोर. तो ये पहली टर्म आ गई. बात समझ में आ गई? ये पहली टर्म आ गई. अब मुझे दूसरी टर्म निकालनी है यहाँ इस वाले फॉर्मूले से. तो मैं एन की वैल्यू टू पुट कर देता हूँ, ए को एज इट इज पुट कर दूंगा मैं फोर प्लस, यहाँ पर ये एन टू है और ये वन है, तो ये हो जाएगा टू माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इज गिवन टू अस एज माइनस थ्री. माइनस थ्री, देखिए कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो ये जान लीजिए कि सीरीज के जो आगे के नंबर्स होंगे वो पीछे के नंबर्स से कम होते चले जाएंगे. ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू फोर, टू माइनस वन इज एज गुड एज वन, वन विल बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री विल बी इक्वल टू माइनस थ्री एंड वी आर हैविंग वन एज ए टू. तो ए टू आ गया वन. ये कौन सी टर्म है? ये सेकेंड टर्म है. इन द सेम वे ए थ्री अगर मुझे निकालना है, ए थ्री विल बी इक्वल टू फोर प्लस थ्री माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इज माइनस थ्री. ओके, तो ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री माइनस वन इज टू, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज सिक्स, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो माइनस सिक्स. फोर माइनस सिक्स विल बी इक्वल टू माइनस थ्रू माइनस टू. ठीक है, माइनस टू ये आ गया. और ये कैसी टर्म है? ये थर्ड टर्म है ए थ्री. ए फोर यहां निकाल लेते हैं, ए फोर यहां निकाल लेते हैं. ए फोर, क्योंकि चार टर्म निकालनी है हमें, तीन हमने निकालनी. ए फोर विल बी इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी. ए है हमारा फोर के बराबर प्लस फोर माइनस थ्री इज थ्री एंड डी इज माइनस थ्री. ओके, तो 4 माइनस नाइन विल बी इक्वल टू माइनस फाइव एंड इट इज द फोर्थ टर्म. तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? यहीं पर लिख देते हैं इसके सामने. पहली जो टर्म है वो तो दी हुई है, इट इज 4. जो सेकेंड टर्म हमने निकाली इट इज 1. थर्ड टर्म जो हमने निकाली दैट इज माइनस टू और फोर्थ टर्म जो हमने निकाली दैट इज माइनस फाइव. ठीक है, सब में देखिए जो कॉमन डिफरेंस है, हर आगे आने वाली जो आपकी गिनती है या जो रुक्न है या आपके जो टर्म है वो पहली टर्म से माइनस थ्री ज्यादा है. माइनस थ्री ज्यादा है का मतलब थ्री कम है. तो यहां फोर है, यहां वन है, यहां माइनस टू, यहां माइनस फाइव. तो चार टर्म हो गई. नाउ द आंसर इज गुड इनफ. ये एक आंसर हो गया. ठीक, अब ये जो फोर्थ पार्ट है इसको मैं कलर बदल के कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो पहचानने में. यहां ए दे रखा है माइनस वन, डी दे रखा है हाफ. ठीक, तो इसको मैं रेड पेन से आपके हल कर रहा हूं. तो ए वन किसके बराबर हो जाएगा? ए वन विल बी इक्वल टू ए प्लस वन माइनस वन, एन माइनस वन लिखना है इंटू आपके यहां पर मैं एन ही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. एन माइनस वन और यहां n लिख देता हूं एंड d. अगर मुझे a1 निकालना है a प्लस वन माइनस वन
इनटू, और ये आपका दे रखा है डी, दे रखा है हाफ, प्लस का हाफ दे रखा है, ठीक है, ओके। तो ये ए के बराबर ही आ जाएगा, ए वन इज इक्वल टू ए, दिस इज द फर्स्ट टर्म। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, लेट अस एवेल्युएट द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। ए कितना है, अच्छा ए वन इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू हमको जो दे रखी है वो दे रखी है माइनस वन, ठीक है, ये याद रखनी है, जो पहली टर्म है वो माइनस वन हो गई। ए की वैल्यू रख देते, ए की वैल्यू माइनस वन प्लस टू माइनस वन इज एज गुड एज वन मल्टीप्लाइड बाई वट इज डी, डी इज हाफ, ओके, वन बाई टू, वन इंटू वन बाई टू इज एज गुड एज वन बाई टू, वन बाई टू विल बी एडेड टू माइनस वन, यू विल बी हैविंग माइनस वन बाई टू एंड इट इज ए टू, ओके। सो इट इज सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आ चुकी है हमारे पास। थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, ए थ्री विल बी इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन, क्योंकि थर्ड टर्म निकालनी है हमें, थ्री माइनस वन करेंगे इंटू डी, कितना है डी आपका हाफ दे रखा है, तो माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू इज एज गुड एज टू, और मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हाफ से, हाफ मल्टीप्लाइड बाई टू इज एज गुड एज वन, तो ये आ जाएगा ए थ्री विल बी इक्वल टू माइनस वन एंड इट इज द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। फोर्थ टर्म निकालते हैं, ए फोर, ए आ जाएगा प्लस फोर माइनस वन थ्री आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, हाफ से करेंगे, बात समझ में आती है। ए किसके बराबर है, ए बराबर है माइनस वन के, प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू, बात समझ में आती है। थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू इज एज गुड एज 1.5, उसमें से एक घटा दें तो 0.5, इट इज एज गुड एज हाफ, तो 1/2 एंड दिस इज द फोर्थ टर्म, ठीक है, ए फोर आ चुका है। तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म एज ये गिवन ही थी माइनस वन, सेकेंड टर्म कहाँ निकाली, सेकेंड टर्म ये निकाली माइनस वन के बाद माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। थर्ड टर्म कितनी निकाली, थर्ड टर्म निकाली हमने, थर्ड टर्म में हमने कोई गलती करी है, थ्री माइनस वन टू, ए की वैल्यू थी माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, टू इससे मल्टीप्लाई हो गई, तो थर्ड टर्म ये जीरो हो जाएगी, सॉरी, ठीक है, माइनस वन और वन जीरो हो जाएगी, तो थर्ड टर्म जीरो, और फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी, फोर्थ टर्म इज प्लस का हाफ, तो ये आंसर हो गया। अब यहां पर देखिए माइनस वन और माइनस वन बाई टू कितना डिफरेंस है, प्लस वन बाई टू का है, जीरो, सॉरी माइनस वन बाई टू और जीरो कितना डिफरेंस है, प्लस वन बाई टू का है, जीरो और प्लस वन बाई टू कितना डिफरेंस है, प्लस वन बाई टू का है, तो चारों में जो तीन डिफरेंसेस आए हैं वो प्लस वन बाई टू आए, हेंस द आंसर इज गुड इनफ। नाउ लेट अस स्विच टू क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री को करते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में भी कई सारे पार्ट हैं, मैंने दो सेलेक्ट किए हैं जो मैं सोचता था कि आपको बता दूं। व्हाट इज द क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपीज, जितनी भी ये नीचे सीरीज दी हुई हैं ये सब एपीज हैं, ये क्वेश्चन में खुद कहा गया है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इन एपीज को ऑब्जर्व करना है आपको, ऑब्जर्व करके कुछ कैलकुलेशन करके आपको बताना है कि इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है और इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कौन सा है, ओके। तो फर्स्ट टर्म कुछ डिफरेंट, कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये जो पहली टर्म आपको दे रखी है यही बेसिकली फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1/3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आप किसी भी एक टर्म को लीजिए उससे पहले वाली टर्म में से माइनस कर दीजिए, यानी 5/3 माइनस 1/3 विल बी द कॉमन डिफरेंस, कितना हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 5-1 इज एज गुड एज 5-1 अपॉन 3 4/3, बात समझ में, इट इज द कॉमन डिफरेंस। फिर 9/3 ले लीजिए और 5/3 ले लीजिए, 9/3 माइनस 5/3, ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि बाद वाली टर्म में से उससे जस्ट पहले वाली टर्म को हमें
माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहां भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 9 - 5 / 3 = 4/3. इट इज अगेन दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट डिफरेंस. पहली दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस आया वही दूसरी और तीसरी टर्म के बीच का डिफरेंस आया. आखिरी वाला रह गया उसको भी चेक कर लेते हैं. 13/3 - 9/3, यहां भी डिनोमिनेटर सेम है. 13 - 9 इज एज गुड एज 4/3, हेंस डी. तो यहां पर जो डी आया कॉमन डिफरेंस इज 4/3. आंसर कंप्लीट. नाउ द फोर्थ पार्ट को और देख लेते हैं. ये फ्रैक्शन में था मैंने इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया. 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, चार टर्म दे रखी हैं, एपी हैं, ये पहले से हमको पता है. तो जो हमारे फर्स्ट टर्म हो गई वो कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म इज 0.6, इट इज गिवन हियर. ओके, तो फर्स्ट टर्म को मैं A1 कह दूं या AB कह सकता हूं, इज इक्वल टू 0.6. बात समझ में आ गई. कॉमन डिफरेंस निकालना है. 1.7 में से मैं क्या चीज माइनस करूं, 0.6 को माइनस करूं तो मुझको मिलेगा 1.1. तो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इट इज कॉमन डिफरेंस. एक जगह और चेक कर लेते हैं. 2.8 में से 1.7 में माइनस करता हूं. 2.8 - 1.7, यू विल बी हैविंग अगेन ए कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 1.1. अगेन 3.9 में से 2.8 माइनस कर देता हूं. 3.9 - 2.8, अगेन इट विल बी इक्वल टू 1.1. एट ऑल द टाइम द डिफरेंसेस बिटवीन द टर्म्स एनी टू सब्सिक्वेंट टर्म्स आर इज इक्वल टू 1.1. हेंस यू कैन राइट द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1.1. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस फोर्थ पार्ट. नाउ लेट अस स्विच टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. तो हमको 6 या 7 टर्म्स दे रखी हैं, नीचे सीरीज दे रखी हैं, उसमें से हमको ये पता लगाना है कि ये एपी है भी या नहीं. अच्छा, इफ दे फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी फॉर्म हो रही है इन सीरीज से, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताइए एंड राइट 3 मोर टर्म्स. तो जितनी टर्म्स लिखी हुई हैं उसके बाद 3 टर्म्स और लिख दीजिए अगर एपी है तो. तो मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बाकी आप खुद करिएगा. फर्स्ट टर्म इज दिस 3. तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये एपी है भी या नहीं. एपी देखने के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए. अगर कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज सेम है तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. ओके, देखते हैं. कॉमन डिफरेंस यहां और यहां 3 + √2 - 3, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा √2. 3 + √2 - 3 - √2, या इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 + √2 - 3 + √2, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 3 भी कट जाएगा. आंसर क्या आने वाला है, √2 आने वाला है. यहां और यहां भी कॉमन डिफरेंस √2 ही आएगा अगर चेक करेंगे. तो हम यहां आंसर क्या लिखेंगे, यस इट फॉर्म एपी, ये एपी है. यस, तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, यस इट्स एन एपी. अब आगे की हमें टर्म्स और लिखनी है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं. हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 + √2, हर बार √2 जुड़ जा रहा है, हर बार √2 जुड़ जा रहा है. तो यहां 3 √2 जुड़ा हुआ है, अब हम क्या लिख देंगे, 4 √2, उसके बाद 3 + 5 √2, देन 3 + 6 √2. √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, 5 √2, 6 √2. ओके, आंसर कंप्लीट. इसी तरह से बाकी के सवाल भी करेंगे. नाउ एक मैंने छठा पार्ट सेलेक्ट किया. छठा पार्ट फ्रैक्शन में है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया. पहली टर्म है 0. अच्छा, इसमें आंसर में 3 भी आएगा, एक फर्स्ट टर्म 3 है. ठीक है, फर्स्ट टर्म बतानी है ना, फर्स्ट टर्म नहीं बतानी है, 0.2 दूसरा टर्म है, 0.22 फिर है, 0.222 फिर है, 0.2222. ओके, हर बार एक 2 आगे बढ़ जा रहा है.
ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई? 0.22 में से 0.2 घटा दीजिए तो आएगा 0.02। यहां पर है 0.222, यहां पर 0.22, इन दोनों को इसमें से ये घटाएंगे अगर तो हमारे पास आएगा 0.02। बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है क्योंकि डिफरेंस अलग अलग आया, यहां पर 0.002 आया और यहां पर डिफरेंस कितना है 0.02 आया, तो डिफरेंस कम हो गया। ठीक, आगे और देख लेते हैं, यहां पर कितना आएगा 0.0002, डिफरेंस और कम हो गया। तो डिफरेंस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एक बार भी अगर डिफरेंस बदल गया तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगी। तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे नो, इसको लिखेंगे इट्स नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो भी आप कर लीजिए, इजी है, मैंने दो सेलेक्ट किए। ओके,